तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं क्लब है स्टडी पॉइंट। तो सर वीडियो हम देख रहे हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए जो सीरीज स्टार्ट की थी हमने, उसी का एपिसोड नंबर 8 था और इसमें हम कराने वाले हैं पोएट्री सेक्शन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। स्टैंजा वाइज स्टैंजा हम सारे इसमें जो क्वेश्चन है एक स्टैंजा उसको समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपकी एपिसोड वाली वीडियो में कराया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड होते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ई बुक के बारे में पता होगा कि अवेलेबल है फ्लेमिंगो की जो बुक है आपकी, जिसमें पोएम और चैप्टर्स है वो पूरी की पूरी हमने बना रखी है। बहुत सारे बच्चों ने बाय कर रखा है, अगर आपको बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। हाँ, अब आपको करना है दोस्तों यहाँ पर स्टैंजा को समझना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन स्टाइल से क्वेश्चन लिया गया है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तहत आपको क्या करना है इसमें दोस्तों, जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वो ये समझते हैं कि आपकी जो रीडिंग स्किल है वो कितनी अच्छी है, आप वर्ड्स को कैसे समझते हो और कैसे उसका क्वेश्चन जो आंसर है वो देते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ हो जाता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा दो आपको बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें जो वर्ड दिए गए हैं उसका मतलब अलग अलग होता है क्योंकि इसमें कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज के साथ। ठीक है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। दूसरा क्या है, दूसरी बात यह है दोस्तों, आपका चाहे इस चैप्टर को लिखने वाला या तो पोएट हो या पोएटेस, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको क्वेश्चन में पोएट पूछेगा। ठीक है, तो आपको भी इससे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कवि है कि कवित्री, और आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छे से आपका होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां से पहले बात करते हैं और स्टैंजा को सबसे पहले समझते हैं। आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डज ओपन माउथेड, हर फेस लाइक एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है दोस्तों लाश शव, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। ठीक है, तो आपको इस वाली बात से क्या समझना चाहिए कि इसमें हमें से क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसकी सिचुएशन समझनी है कि ये किस समय हो रहा था। आपको याद है कि जो कवित्री है वो कोचिन की तरफ जा रही थी, उसकी मम्मी कार में उसके साथ बैठी हुई थी, उनको एरोप्लेन से जाना था। ठीक है, तो उनकी माँ जो उनके बगल में बैठी हुई थी, तो वहां कवित्री ने क्या किया दोस्तों, अपनी माँ की तरफ एक बार देखा तो उनकी जो माँ का जो फेस है वो खुला हुआ था, उनकी जो माँ का चेहरा था उस पर पीलापन था। ठीक है, और कवित्री के मन में ये देखकर एक जो विचार आया, आप कह सकते हो इसको कि नेगेटिव विचार आया देखकर, और क्या विचार आया, पीड़ाजनक विचार कि उनकी जो मम्मी है वो बुढ़ी तो हो गई है लेकिन वो दिखने में भी कैसी लग रही है, बुढ़ी जैसी ही लग रही है। और उनको ये नेगेटिव थॉट आया कि अब जो है उनकी मम्मी ज्यादा दिनों तक शायद नहीं जीवित रहेगी। ठीक है, तो इस पूरे जो स्टैंजा है, स्टैंजा का मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है, पहले फर्स्ट देखेंगे इसमें और फिर सेकंड, उसके बाद थर्ड देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड में क्या है, यहां से देखिए हम इससे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट वरीड दैट पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, यानी कि जब कवित्री ने अपनी माँ की तरफ देखा तो उनको किस बात की चिंता हुई। तो हमें ये लिखना है कि जब उन्होंने उनको अपनी माँ की तरफ देखा तो उनको चिंता हुई। यहां से देखते था, पोएट वॉज वरीड टू सी दैट हर मदर हैड टर्न पेल लाइक ए कॉर्प्स, उन्होंने जब अपनी माँ को देखा तो उनको ऐसा लगा कि उनकी माँ का जो चेहरा है वो पीला पड़ गया है और उनकी माँ का जो चेहरा है वो एक शव की भांति, लाश की भांति दिखाई दे रहा है, इसलिए उनको चिंता हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाई वाज देयर पेन इन हर रियलाइजेशंस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है दोस्तों कि जब कवित्री ने जब पेन को महसूस किया, यानी किस बात को उसने रियलाइज किया। ठीक है, तो उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि उसकी जो मदर है वो ज्यादा दिन तक अब जीवित नहीं रहेंगी, क्योंकि जब उन्होंने उनके फेस की तरफ देखा तो उनको लगा अब तो है मेरी जो मॉम है वो बुढ़ी हो गई है और ये ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगी। जिनकी वजह से आपको पता ही है कि हर एक बच्चों को इस बात की टेंशन होती है, हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि फियर होता है हर चाइल्डहुड का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रियलाइज हुआ उनको अपनी मम्मी के पेन को देखकर, ये रियलाइज हुआ कि अब वो ज्यादातर
ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये हमसे क्या कहता है देखते हैं। Why did she put that thought away? इसका क्या मतलब है कि जब उन्होंने उनका जो थॉट था वो कौन सा थॉट था ऐसा जो कि उन्होंने सोचा और उसके बाद जो है उस थॉट को निकालने की कोशिश की। ठीक है, तो दोस्तों उनके मन में क्या थॉट आया था, क्या विचार आया था जिसको उन्होंने फटाफट से दूर कर दिया। तो उनके जो कवित्री था उनके मन में अपनी मम्मी को देखकर ये विचार आया था बहुत ही दर्दनाक कि ये उनसे क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएगी। तो ये एक नेगेटिव थॉट था, तो इसलिए क्या किया, जल्दी से थॉट आया दिमाग में और उन्होंने जो थॉट को है क्या कर दिया, हटा दिया, जल्दी से दूर कर दिया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहां से कि आपका स्टैंजा नंबर टू। ठीक है, किसी भी चैप्टर का स्टैंजा आ जाता है, किसी भी पोएम का स्टैंजा आ जाता है तो आपको बहुत अच्छे से समझना है और आपका जो फर्स्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड स्टैंजा पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी हमें क्या समझना है, इसमें हमें समझना है कि जो ये जो स्टैंजा दिया हुआ है इस स्टैंजा की सिचुएशन कहाँ की है और कहाँ की बात हो रही है। आपको पता है एक गंदी बस्ती वाले स्कूल के बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है कि जो ऐसी जगह है जहाँ की जो बस्ती है वो खराब है, वहां का एरिया खराब है, ऐसे स्कूलों में कैसे बच्चे रहते हैं, उनकी एजुकेशन जो है और वो दिखने में किस प्रकार लग रहे हैं, ये स्टैंजा में बताया गया है। जैसे कि यहाँ से देखते हैं, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स देस चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेट्स वीड्स द हेयर टॉन अराउंड देयर पैलर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो जो कक्षा में बच्चे बैठे हुए हैं उन वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पढ़ाई की तो बात छोड़ो, वहां पर वो रूटलेट स्वीट लग रहे हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिनकी जो जड़ है वो जड़ खराब हो चुकी है, उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ रखा है। ठीक है, उनके जो बाल है वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे पत्ते होते हैं या आप समझ सकते हो जैसे उनकी जड़े होती है वैसे उनके बाल लग रहे हैं, कभी भी उसको क्लीन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। कुछ बच्चों का एग्जांपल लिया गया है जैसे कि द टॉल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड। इसका क्या मतलब है दोस्तों, देखिए एक कक्षा में एक लड़की है जो कि अपना जो सर है वो नीचे की तरफ झुकाकर, जैसे हेड डाउन करते हैं तो वो नीचे की तरफ झुकाकर अपना सर रखी हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका जो शरीर है वो ऐसा है, लंबी सी है और इतनी पतली सी है कि उसका जो सर है उसके शरीर के हिसाब से उसका जो सर है वो इतना भारी है कि वो अपने सर का जो वजन है वो नहीं उठा पा रही है और उसकी जो मुंडी है वो नीचे की तरफ झुक गई है। तो एक ऐसे लड़की की बात की गई है यहाँ पर, लड़की की, और एक लड़के की बात की है। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड आईज, एक ऐसा लड़का है जो दीवार के सहारे बैठा हुआ है और वो इतना ज्यादा पतला है, ठीक है, कि उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल दीवार से चिपका हुआ कागज की तरह प्रतीत हो रहा है, वो इतना ज्यादा पतला है और उसकी जो आंखें हैं वो रेड आईज की तरह लग रही है। जैसे आपने देखा होगा चूहे जो एकदम पतले से होते हैं और उनकी जो आंखें हैं वो कैसे नजर आती है, चमकीली सी, वैसी आंखों की तुलना यहाँ पर उस लड़के से की गई है, उस लड़के को। ठीक है, तो आपको क्या है, मेन चीज जो है वो समझ में आ गई होगी, स्टैंजा समझ में आ गया आपको। अब जो है इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत ही ईजी हो जाएंगे हमारे लिए। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, व्हाट इज द चिल्ड्रन हेयर कंपेयर्ड टू, यानी जो बच्चों की जो बाल है दोस्तों उस बाल की तुलना किससे की जा रही है। तो देयर हेयर हैज बीन कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स, उनके जो बाल है उनका जो बाल है उनके बाल की तुलना की जा रही है रूटलेस वीड्स से। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, ये हमसे क्या कह रहा है, What do you think the tall girl is sitting with a weighted down head? यानी कि आपको कैसे ये प्रतीत हो रहा है कि वो जो एक लड़की है, या आप कह सकते हो कि आपको क्यों प्रतीत हो रहा है, जो वो लड़की है वो बैठी हुई है और उसका सर जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका जो सर है वो उसके वेट के कारण, यानी कि उसका जो सर है वो बड़ा है और उसका जो शरीर है वो कमजोर है, इसलिए उसका जो सर है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है।
ठीक है दोस्तों, तो हमें बता रहा है यहाँ पर द गर्ल अपियर्स टू बी डिप्रेस्ड, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास। क्या है? लिस्टनेस है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है इच्छा रहित है। और इच्छा रहित का क्या मतलब होता है? इच्छा रहित का मतलब होता है कोई इच्छा नहीं है उसके अंदर, उदास है, इच्छा नहीं है, ऐसी बैठी हुई है, ठीक है। और शी इज सिटिंग विद ए वेटेड डाउन हेड, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि उसका जो सर है उसके शरीर पर क्या हो रहा है? हावी हो रहा है, और अपने सर का जो वजन है वो नहीं उठा पा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर में कि हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखना है हमें, यहाँ पर दोस्तों क्या देखना है हमें कि गिव टू फेसेस विच टेल अस दैट द चिल्ड्रन आर अंडर नरिश्ड। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? हमें दो बातें इसमें ऐसी बतानी है, दो वाक्यांशों को ऐसे बताना है अपने पोयम में से ही, अपने स्टैंजा में से ही, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे कैसे हैं? वो बच्चे अंडर नरिश्ड है। अंडर नरिश्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कुपोषित। और कुपोषित का क्या मतलब होता है? ऐसे बच्चे जिनको पोषण नहीं मिला है और उनका जो शरीर है वो बहुत ही ज्यादा पतला है। देखिए, एक होते हैं मीडियम बच्चे, एक होते हैं पतले बच्चे, ठीक है, लेकिन वो पतले बच्चे से भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा पतले, जो कि अजीब ही लगते हैं देखने को, आप कह सकते हैं कि वो अलग से ही नोटिस किए जा सकते हैं। तो वो ऐसे बच्चे होते हैं जो कुपोषित होते हैं, जिनको पोषण की कमी होती है, ठीक है। तो ऐसी क्यों लग रहे हैं, और दो चीजें हमें बतानी है इस वाक्यांश में, ठीक है। तो पहली चीज है दोस्तों, उनका जो हेयर ट्रॉन अराउंड देयर पैलर, ठीक है, उनका जो बाल है वो कैसा लग रहा था अभी बताया हमने, और उनका जो चेहरा है वो पीलापन उनके चेहरे पर दिख रहा है, कि यानी कि उनका जो शरीर है उनमें ब्लड की कमी है, जिससे उसका जो चेहरा है वो पीला दिख रहा है। पहला कारण अंडरनरिश्ड का। दूसरा, पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़के की बात की थी मैंने अभी, आपको याद होगा कि वो दीवार के सहारे बैठा हुआ है और लग रहा है कि कागज जैसा ही प्रतीत हो रहा है, वो इतना ज्यादा पतला है। तो दोस्तों यही दो वाक्यांश है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो जो उस क्लास में बैठे हुए हैं वो क्या है? वो कुपोषित है। वो क्या है? वो अंडर नरिश्ड है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी दो स्टैंजा आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आ गई तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। ऐसे जो स्टैंजा होते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, जो क्लास में 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस ऐसे क्वेश्चन को, स्टैंजा वाले क्वेश्चन को नहीं छूते हैं, ठीक है, और 80% बच्चे होते हैं, ठीक है, अगर मान के चलो इट छू भी लिया, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया, सभी चीजें करने के बाद अगर इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की तो वो गलत होता है। अब हम बात करते हैं अगर 80% बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अगर अटेम्प्ट भी करते हैं दोस्तों, तो 80% बच्चों के जो क्वेश्चन होंगे गलत होंगे, ठीक है, क्योंकि इनको करना मुश्किल होता है। आपने भी देखा, क्योंकि जो हमारी जो स्टैंजा है ना, वो बिल्कुल हमें जो चीजें लिखी है वो चीजें नहीं बताती इंग्लिश में, हमें समझना होता है कि ये क्या कहना चाह रही है, और उसके हिसाब से हमें इसमें अपने शब्दों में क्वेश्चन आंसर देने होते हैं, जैसे आपको हिंदी में पता है। और बच्चे वही गलती हिंदी में भी करते हैं और वही गलती इंग्लिश में भी करते हैं कि स्टैंजा की लाइन उठा के और डाल देते हैं आंसर में। दोस्तों बिल्कुल नंबर नहीं मिलते, एक भी नंबर नहीं, पूरा का पूरा आंसर कट जाता है। आपको पहले स्टैंजा को समझना होता है, ठीक है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर अपने हिसाब से देने होते हैं क्वेश्चन को समझकर, जो कि मैं मानता हूं कि ये 12th क्लास के बच्चों के लिए, जहां तक कि लेवल होता है 12th क्लास के बच्चों का, कि मोस्ट बच्चों का जो ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, या नंबर भी मिलते हैं तो इतने नंबर, नामात्र के नंबर मिलते हैं, नंबर नहीं मिलते, ठीक है। और वो जो 10-20% बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, तो आपको भी मेहनत करनी है और एपिसोड वाली वीडियो आपको देखते रहना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम आगे भी कराते जाएंगे और आप इन वीडियो को देख कर ही समझ जाओगे। क्योंकि ऐसा जो मैंने आपको पहला वाला जो स्टैंजा कराया था, उस स्टैंजा, वो सेम स्टैंजा पेपर में आया हुआ है। सोचो अगर ऐसी मैं आपको बहुत सारे पोयम करा देता हूं, और फिर आप समझने के बाद आपके लिए तो वो आसान हो जाएगा बिल्कुल ही, और आप उसे जो है बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो आपकी ऐसी आती रहेगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को,
और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दे जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, यही थी आपकी वीडियो, ठीक है।